हाय, आज हम बनाएंगे कैबेज की चटनी टेम्परिंग के साथ। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम 1 टेबलस्पून ऑयल में 2 या 3 ग्रीन चिली स्प्लिट करके डाल देंगे और उसके बाद बारीक कटे कैबेज डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 कप कैबेज ले रही हूँ। देखिए, ऐसे थोड़े थोड़े से जलना चाहिए कैबेज, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जलने से। या फिर 5 मिनट के लिए कैप लगा कर बीच बीच में चलाते हुए कैबेज को पका लीजिए। जब कैबेज अच्छे से पक जाए तब हम इसमें 1 टमाटर ऐसे प्लेस कर लेंगे मीडियम साइज़ का, या फिर 1/4 कप टमाटर डाल दीजिए। और फिर से इसको कवर कर लेंगे और जब तक टमाटर गलना जाए तब तक पका लेंगे। जब टमाटर गल जाए तब हम इसमें थोड़ा सा इमली टेस्ट कर लेंगे, मतलब छोटे मार्बल के साइज जितना, और 5-6 कलियाँ लहसुन के डाल देंगे। और फ्लेम को बंद कर लेंगे और पूरा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करके फाइन पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने फाइन पेस्ट बना लिया और दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब उसी बॉल में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेंगे और टेम्परिंग कर लेंगे। 1/4 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/4 टेबलस्पून राया, 1/4 टेबलस्पून चना दाल, 2 या 3 कटे सूखे लाल मिर्च, थोड़े से करी पत्ते। 1 मिनट पकने के बाद हम टेम्परिंग को चटनी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको मिला लेंगे। बन गई हमारी वेरी सिंपल कैबेज की चटनी टेम्परिंग के साथ। ये चावल के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। आप इसको साउथ इंडियन डिश ब्रेकफास्ट के कोई भी डिश के साथ खा सकते हैं, रोटी फुल्का के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ लीव योर वैल्युएबल कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।